है वेलकम दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपैरिजन लेके आए हैं आपके लिए मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800 और डैटसन रेडिको के बीच में, और जानेंगे इस साल 2022 में लेने के लिए कौन सी गाड़ी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील, कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा बेहतर डील प्रोवाइड कर रही है। पूरी हम एक कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिज़ाइन के आधार पर बात करते हैं, तो ऑल्टो 800 डिज़ाइन वेज एक ट्रेडिशनल सेगमेंट की हैचबैक गाड़ी है। भारत में मिलने वाली सबसे छोटी गाड़ी भी है करंट टाइम में। ये डैटसन रेडिको की बात करूँ तो दोस्तों ये भी एक हैचबैक है, पर हम इसे एक हैचबैक ना करके हम इसे एक टॉल हैचबैक कह सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो ऊंचाई है और चौड़ाई है वो हैचबैक से थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी लंबी हैचबैक आपको लगेगी ऑल्टो के कंपैरिजन में। कौन सी गाड़ी दिखने में बड़ी लग रही है, आइए जानते हैं डायमेंशन के जरिए। अभी आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है दोनों गाड़ियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो दोस्तों जो लंबाई अगर हम बात करेंगे ना, तो लंबाई के मामले में ऑल्टो 800 10 mm ज़्यादा लंबी है रेडिको से। चौड़ाई की अगर मैं बात करता हूँ तो चौड़ाई के मामले में 49 mm आपको ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है डैटसन रेडिको में। ऊंचाई की बात करता हूँ तो ऊंचाई के मामले में 71 mm ज़्यादा ऊंची है डैटसन रेडिको। ओवरऑल सामने से दिखने में कौन सी गाड़ी लुक ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिख रही है, तो मेरे ख्याल से वो डैटसन रेडिको का लुक ज़्यादा आपको बेहतर लगे। ओवरऑल पसंद सबकी अपनी अपनी अलग होती है, किसी को ऑल्टो 800 पसंद आएगी तो किसी को रेडिको। आपको कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताएगा। बूट स्पेस आपको ऑल्टो 800 में 177 लीटर्स का और रेडिको में 222 लीटर्स का आता है, तो यहाँ ज़्यादा बूट स्पेस में देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑल्टो 800 में 160 mm का देखने को मिलता है, जो कि भारत में मिलने वाली अब तक की सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस है इस सेगमेंट की गाड़ियों में, जबकि डैटसन रेडिको का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत प्रैक्टिकल सा 187 mm का देखने को मिलता है, जो कि आपको किसी भी रास्ते से निकाल सकती है, स्पेशली गाँव के खराब रास्तों में सबसे बेहतरीन है ये ग्राउंड क्लियरेंस। व्हील बेस की बात करो तो ऑल्टो का व्हील बेस है 2360 mm और रेडिको का व्हील बेस है 2348 mm। दोस्तों कंक्लूजन पे आऊँ अगर डिज़ाइन के मामले में, तो यार डिज़ाइन के मामले में मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि रेडिको का डिज़ाइन ज़्यादा हद तक मुझे पसंद आ रही है। और दूसरा रीज़न ये है रेडिको के डिज़ाइन को पसंद करने का, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भारत के खराब रास्तों के लिए अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल ऑल्टो 800 का भी डिज़ाइन हम कह सकते हैं बहुत बेहतर लग रहा है दिखने में। दोस्तों बात करेंगे हम लोग इंजन की। इंजन की बात करूँ ऑल्टो 800 में दोस्तों आपको देखने को मिलता है दो इंजन। पहला है 800cc का पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करती है 47 bhp का विद टॉर्क ऑफ 69 Nm टॉर्क, और दूसरा है 800cc में ही CNG इंजन आता है जो कि पावर जनरेट करती है 40 bhp का विद टॉर्क ऑफ 60 Nm टॉर्क। तो यार ऑल्टो 800 में आपको पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है और CNG भी अवेलेबल है। बात करूँगा डैटसन रेडिको की, तो डैटसन रेडिको में दोस्तों को पेट्रोल में दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है 800cc का इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 53 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 72 Nm टॉर्क। दूसरा है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, मतलब 1000cc का इंजन, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन पावर जनरेट करता है 67 bhp का विद द टॉर्क ऑफ 91 Nm टॉर्क। यहाँ पर ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में अवेलेबल है। तो अगर हम इंजन की डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों के बीच में, ऑल्टो 800 आपको CNG ऑप्शन दे रही है, रेडिको में नहीं है। रेडिको में आपको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा पावर देखने को मिल रहा है। अगर आपको पावर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो रेडिको पे जाए। साथ ही साथ रेडिको में आपको ऑटोमेटिक गियरबैक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल्टो 800 में नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोनों इंजन का डिफरेंसेस। माइलेज की बात करूँ, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, तो ऑल्टो 800 दोस्तों पेट्रोल पे आपको 22 km/L का माइलेज क्लेम करती है, और CNG पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त 32 km का माइलेज क्लेम करती है यहाँ पर ऑल्टो 800। बात करता हूँ डैटसन की रेडिको में, तो दोस्तों डैटसन की रेडिको में जो पेट्रोल इंजन है इसका वो माइलेज क्लेम करता है 21 से लेकर 22 km/L के बीच में, तो मतलब 20-22 का एवरेज निकाल देती है डैटसन रेडिको। तो देखो यार, अगर मैं माइलेजेस की बात कर रहा हूँ पेट्रोल क्षेत्र में, तो दोनों गाड़ियाँ लगभग सेम हैं, लेकिन जहाँ CNG की बात आती है तो हाँ, CNG के मामले में जो ऑल्टो 800 है वो ज़्यादा धमाल मचा रही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम्स की बात करूँ दोस्तों, ऑल्टो 800 के टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलता है 7 inch का टच स्क्रीन सिस्टम, और इसमें 2 स्पीकर्स आ जाते हैं। और वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे डैटसन रेडिको में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 8 inch का टच स्क्रीन सिस्टम, और इसमें भी 2 स्पीकर आते हैं।
यहाँ पर आप इंफोटेनमेंट डिज़ाइन देख रहे हो, किसका बेहतर लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों देखा जाए तो मुझे तो डेटसन रेडिगो का इंफोटेनमेंट डिज़ाइन ज़्यादा फिट फिनिश क्वालिटी में नज़र आता है। अगर आप यहाँ पर ऑल्टो एंटरटेनमेंट का देख रहे हो तो इससे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन फिट फिनिश के मामले में डेटसन वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओवरऑल आपको अपने हिसाब से बताओ किसका पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं दोस्तों फीचर्स के मामले में। फीचर्स के मामले में यार क्या ही बोलना, दोनों गाड़ी में पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, पावर विंडो भी आता है, एसी हीटर जो बेसिक फीचर होते हैं वो सारी गाड़ियों में दिए गए, मतलब दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं। तो यार फीचर वाइज दोनों गाड़ी आपको निराश नहीं करेंगे। एज अ एंट्री लेवल गाड़ी कोई फीचर दोनों ने कमी नहीं रखी है। सेफ्टी वाइज बात करूँ तो वैसे तो इसमें सेफ्टी स्टार रेटिंग में बात करूँगा तो ऑल्टो 800 को यू नो मिले हैं 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, लेकिन जो डेटसन रेडिगो है वो थोड़ी सी आगे निकल जा रही है यहाँ पे ऑल्टो के मुकाबले, क्योंकि इस गाड़ी को मिला है 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा सेफ कह सकते हैं कि यहाँ पर चलो कुछ नहीं है तो कुछ तो बेहतर है, मतलब ऑल्टो 800 से बेहतर सुरक्षा आपको डेटसन रेडिगो दे रहा है। बाकी ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और 2 एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। एक और फीचर की बात बताऊंगा कि डेटसन रेडिगो के आपको टॉप एंड वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है इन कंजेस्टेड सिटीज़। अब दोस्तों आते हैं सबसे आखिरी चीज पे, भैया कीमत वगैरह क्या है ये तो बताओ हमें, हमने सब कुछ जान लिया। तो देखो यार ऑल्टो 800 में पेट्रोल में 6 वेरिएंट्स आते हैं, जहाँ पर आप इनका नाम पढ़ पा रहे हो डिस्प्ले पर। यहाँ पर बेस मॉडल की एक्सशोरूम कीमत शुरू होती है 3,25,000 रुपीज़ से, टॉप वेरियंट कीमत 4,33,000 रुपीज़ तक जाती है। वहीं अगर मैं डेटसन की बात करता हूँ तो डेटसन में दोस्तों यहाँ पे 6 मॉडल इसमें भी आते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट का कीमत शुरू होता है 3,83,000 रुपीज़ से, टॉप वेरिएंट कीमत 4,95,000 रुपीज़ जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जो ये डेटसन का बेस वेरिएंट है ये ऑल्टो के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए गाड़ी थोड़ी सी आपको कॉस्टली लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो। वहीं ऑल्टो के CNG के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। CNG वेरिएंट की जो प्राइसिंग है आपके डिस्प्ले पे दिख रही है, 2 ही मॉडल्स आती हैं, ये भी एक शोरूम वाइज 5 लाख के अंडर में आ रही है। अब दोस्तों आता हूँ कंक्लूजन पे, क्या आपको ऑल्टो 800 लेना चाहिए डेटसन रेडिगो। तो देखो यार कंक्लूजन वाइज बात करें, अगर आपका पहला प्रायोरिटी माइलेज है ना मेरे दोस्त, तो भाई हाथ जोड़ के आपसे कहूँगा आप ऑल्टो 800 का CNG जाके अभी बुक करा लो, क्योंकि भाई माइलेज के मामले में ऑल्टो 800 CNG से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं बात करता हूँ अगर आपको पावर चाहिए गाड़ी के अंदर, तो यार डेटसन रेडिगो ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। अगर आपको गाड़ी के अंदर लुक्स चाहिए तो यार लुक्स देखो, किसी को ऑल्टो 800 का पसंद आएगा तो किसी को डेटसन रेडिगो का, तो ये तो मैं भाई आप ही के ऊपर छोड़ूंगा कि आपको किसका लुक पसंद आए, तो वो तो अपने आप लुक से लोगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये था हमारा कंक्लूजन। ओवरऑल आपको ऑल्टो 800 पसंद आ रही है डेटसन रेडिगो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और भी ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑटो कंपेयर को। कोई भी सवाल हो अगर आपके मन में तो यार भेजिए कमेंट बॉक्स में पूछा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग video, take care and goodbye, and do not forget to subscribe our channel.